तो कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सती धर्म के आगे जब यम भी झुक जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम करवा चौथ की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सती धर्म के आगे जब यम भी झुक जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पतिव्रता धर्म है महान, यम से छुड़ा ले प्राण। पतिव्रता धर्म है महान, यम से छुड़ा ले प्राण। भक्तजनों, आज करवा चौथ के पावन पर्व पर हम आपको नारी के सतीत्व और एक पतिव्रता नारी की शक्ति का गुणगान करेंगे कि कैसे एक पतिव्रता नारी अपने सतीत्व और धर्म के बल पर यमराज से भी अपने पति के प्राणों को लौटा सकती है। और करवा चौथ पर सुनी जाने वाली कथा का भी वर्णन करेंगे। तो बोलिए पतिव्रता धर्म की जय। साथ में जो एक नगर में रहती है, अपने सती धर्म पर उसको पूरा है विश्वास। तुंगभद्रा नामक नदी बहती नगर के पास, प्रातः काल पति पत्नी दोनों ही उठ जाते हैं। तुंगभद्रा नामक नदी में ही स्नान करते हैं। स्नान करके दो करते पूजा पाठ, ना कोई कमी थी उनके घर में, सारे ही थे ठाठ। प्रसन्नता पूर्वक उनके दिन तो बीतते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सती धर्म के आगे जब यम भी झुक जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पतिव्रता धर्म है महान, यम से छुड़ा ले प्राण। पतिव्रता धर्म है महान, यम से छुड़ा ले प्राण। भक्तजनों, करवा चौथ का व्रत करवा माता के नाम से ही शुरू हुआ था। सबसे पहली कथा हम करवा माता की ही सुना रहे हैं। माता करवा तुंगभद्रा नामक नदी के पास रहती थी। पति और पत्नी दोनों ही बड़े धर्म परायण थे। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके हरि भजन में ध्यान लगाते थे। दिन में माता करवा का पति अपने काम पर लौट जाता और करवा माता घर के काम काज निपटाती। इस तरह दोनों का ही जीवन बड़ी प्रसन्नता पूर्वक बीत रहा था। चलिए भक्तों, आगे की कथा सुनाते हैं। के समान छोटी छोटी खुशियों का भी सदा ही रखती ध्यान। काम से लौट के करवा का पति जब भी आता है, मारे खुशी के करवा का चेहरा खिल ही जाता है। अपने पति की सेवा करवा माता खूब ही करती। सुबह शाम वो श्री हरि विष्णु आज ऐसी घट गई थी। प्रातः काल स्नान करने जब दोनों आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सती धर्म के आगे जब यम भी झुक जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पतिव्रता धर्म है महान,
एक घाट जिसमें स्त्रियां स्नान करती थीं और दूसरा घाट जिसमें पुरुष स्नान करते थे। रोज की तरह करवा माता और उनके पति प्रातः काल जब स्नान करने को आते हैं तो माता करवा का पति पुरुषों वाले घाट में स्नान करने को चला जाता है और माता करवा स्त्रियों वाले घाट में स्नान कर रही थी। अचानक एक मगरमच्छ ने आकर करवा माता के पति का पांव जकड़ लिया और उनको नदी में खींचने लगा। मृत्यु को समीप देखकर उनके पति ने करवा को पुकारा। उनके पति के प्राण तो जब संकट में है आए, पांव पकड़कर मगर नदी में उन्हें खींचता जाए। करके वो देखा है नजारा, एक मगरमच्छ उनके पति को नदी में खींच रहा। अपने पतिव्रता के धर्म को उसने याद किया। एक सूत का धागा लेकर मगर को बांध दिया। खींच सकता है मगर उनको फिर वही पे स्थिर हुआ। वहाँ पर आ ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सती धर्म के आगे जब यम भी झुक जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पतिव्रता धर्म है महान, यम से छुड़ा ले प्राण। पतिव्रता धर्म है महान, यम से छुड़ा ले प्राण। भक्त जनों, माता करवा के पति को जब मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो उन्हें ले जाने के लिए यमराज वहां पर आ गए, किंतु माता करवा ने अपने सतीत्व के बल से मगरमच्छ को एक कच्चे धागे से बांध दिया, जिसके कारण मगरमच्छ अपनी जगह पर स्थिर हो गया। किंतु माता करवा के पति की आयु पूर्ण हो चुकी थी, यमराज उन्हें लेने के लिए आ जाते हैं। माता करवा यमराज को देख कर कहने लगी, मगरमच्छ ने इन्हें पकड़ा है। अंतिम समय है पति, तुम्हारा जीवित नहीं बचेगा और मृत्यु का कारण इनकी आज ये मगर बनेगा। बोली करवा, मेरे पति के प्राण बख्श दे आप, वरना है यमराज आज मैं तुम्हें दे दूंगी साथ। इतना सुनकर यमराज भी घबरा जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सती धर्म के आगे जब यम भी झुक जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पतिव्रता धर्म है महान, यम से छुड़ा ले प्राण। पतिव्रता धर्म है महान, यम से छुड़ा ले प्राण। भक्त जनों, जब यमराज ने करवा माता से कहा कि आपके पति की आयु समाप्त तो हो गई है और हम उसको लेने आए हैं, तो करवा माता यमराज से कहने लगी, आज मेरे पति को नहीं ले जा सकते, यदि आपने ऐसा किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी, उसके पश्चात आप किसी के भी प्राण नहीं हर पाएंगे। यमराज ने सोचा, यदि सचमुच करवा ने श्राप दे दिया तो इस सृष्टि का नियम ही बदल जाएगा। यमराज ने करवा माता से विनती की, हे देवी, मुझे श्राप मत देना, इसका कोई और उपाय बताओ। तब करवा माता कहने लगी, आपको मेरे पति के प्राण बख्शने होंगे और
उसकी जगह पर इस मगरमच्छ के प्राण लेने होंगे। तब यमराज कहने लगे, इस मगरमच्छ के प्राण तो अभी शेष हैं, यदि मैं इसके प्राण लेता हूँ तो ये भी अन्याय होगा। तो भक्तों, आगे की कथा आइए आप सभी को बताते हैं। पतिका सती धर्म के कारण पतिव्रता नारी जब अपना धर्म निभाती है, आई हुई मृत्यु भी पति की लौट ही जाती है। अपने धर्म पे कायम हो जो पतिव्रता नारी, खुद यमराज पे भी पड़ जाती है वो तो भारी। ऐसी अनेक कथाओं का हम सुनाते हैं, सती धर्म के आगे जब यम भी झुक जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पतिव्रता धर्म है महान, यम से छुड़ा ले प्राण। पतिव्रता धर्म है महान, यम से छुड़ा ले प्राण। भक्तजनों, इस प्रकार पतिव्रता नारियों की अनेकों ही कथाएं हैं, जिन्होंने अपने सती धर्म के बल पर अपने पति के प्राणों की रक्षा की है। ऐसी ही एक कहानी सती सावित्री की भी है। सती सावित्री ने अल्प आयु होते हुए भी सत्यवान को पति के रूप में चुना था। पंडितों ने भविष्यवाणी की थी कि सत्यवान की आयु सिर्फ एक वर्ष ही शेष है। उसके पश्चात सती सावित्री ने सत्यवान को ही पति के रूप में चुना। जब सत्यवान की आयु का पूर्ण हुआ, वन में लकड़ियां काटने को जब सत्यवान है गया, सावित्री भी उनके साथ में आज है चली गई। हो गया था उसको आभास तो ये पहले से ही, लगा लकड़ियां काटने वो जब एक वृक्ष पर चढ़कर, अंधियारा छा गया आँखों में, आने लगे हैं चक्कर। पत्नी सावित्री को उसने है सारा हाल बताया, उतर के नीचे फिर तो वृक्ष से सत्यवान है आया। फिर यमराज के दूत वहाँ उसको दिख जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सती धर्म के आगे जब यम भी झुक जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पतिव्रता धर्म है महान, यम से छुड़ा ले प्राण। पतिव्रता धर्म है महान, यम से छुड़ा ले प्राण। भक्तजनों, पंडितों की भविष्यवाणी के अनुसार जब सत्यवान की आयु पूर्ण हुई तो यमराज के दूत उन्हें लेने आ गए। जब वो सत्यवान को अपने साथ ले जाने लगे तो सती सावित्री भी यमदूतों के साथ साथ चल दी। अपने पतिव्रत धर्म के बल के कारण यमदूत भी उन्हें रोक नहीं पाए। अंत में यमदूत उन्हें यमराज के पास लेकर आए तो सावित्री भी पीछे पीछे आ गई। यमराज ने उनसे कहा, आपके पति की आयु पूर्ण हो चुकी है, आप चाहें तो अपने पति के प्राणों के अलावा कोई भी वरदान मांग ले। लगे यमराज मांग लो कोई भी वरदान,
ससुर अंधे। बोली दृष्टि मेरे सास ससुर की लौटा दो, दूजे वर खोया हुआ है राज भी वापस हो। और यमराज मैं आपसे मांगू अब तीजा वरदान, एक पुत्र की मुझे हो प्राप्ति, मैं हूँ निः संतान। सावित्री की बातों में यम भी फंस जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सती धर्म के आगे जब यम भी झुक जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पतिव्रता धर्म है महान, यम से छुड़ा ले प्राण। पतिव्रता धर्म है महान, यम से छुड़ा ले प्राण। सावित्री ने यमराज से अपने अंधे सास ससुर की नेत्रों की दृष्टि, उनका खोया हुआ राज और स्वयं के लिए पुत्र की प्राप्ति का वर मांगा। यमराज ने जब तथास्तु बोला तो सावित्री कहने लगी, हे यमराज, मैं तो पतिव्रता नारी हूँ, मैंने सपने में भी किसी और पुरुष का चेहरा नहीं देखा, तो भला बिना पति के मुझे पुत्र की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तब यमराज को अपनी भूल का एहसास हुआ और सावित्री के पति के प्राण उन्हें लौटाने पड़े और दोनों को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। आगे की कथा आइए आप सभी को बताते हैं। सके ना नारी की शक्ति, ब्रह्मा विष्णु शंकर ने भी जिसकी शक्ति को माना, महासती अनसुईया की कथा अब है तुम्हें सुनाना। जिसने त्रिदेवों को भी है छोटे शिशु बनाया, और दूध अपने अस्तनों का तीनों को है पिलाया, फिर तो अनसुईया ने दिखाई। आओ भक्तों आपको पूरी कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सती धर्म के आगे जब यम भी झुक जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पतिव्रता धर्म है महान, यम से छुड़ा ले प्राण। पतिव्रता धर्म है महान, यम से छुड़ा ले प्राण। भक्त जनों, सती अनसुईया के नाम से आप सब भली भांति परिचित होंगे। महासती अनसुईया महर्षि अत्रि की पत्नी थी। उनके सती धर्म के चर्चे तीनों ही लोकों में थे। एक बार देवी सरस्वती माता लक्ष्मी और माता पार्वती अपने सती धर्म का बखान अपने ही मुख से कर रही थी। तब नारद जी वहां पहुंचे और उन्हें बताया कि हे माताओं, तीनों लोकों में महासती अनसुईया के समान कोई पतिव्रता नारी नहीं है। तीनों ही देवियों को इस बात से बड़ी जलन हुई और उन्होंने ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी को सती अनसुईया के धर्म की परीक्षा लेने के लिए भेज दिया। आइए आगे की कथा आप सभी को सुनाते हैं। उस समय भक्तों कुटिया में थे नहीं, सती अनसुईया मिल गई लेकिन त्रिदेवों को वही। यति समझ कर अनसुईया ने किया आदर सत्कार, क्योंकि सती अनसुईया का था बड़ा उत्तम व्यवहार। अतिथि
जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पतिव्रता धर्म है महान, यम से छुड़ा ले प्राण। पतिव्रता धर्म है महान, यम से छुड़ा ले प्राण। भक्त जनों तो एक बार प्रेम से बोलो सती अनसुईया की जय। भक्त जनों ब्रह्मा विष्णु और भोलेनाथ ने महासती अनसुईया के सती धर्म की परीक्षा लेने के लिए यतियों का वेश धारण कर लिया और महर्षि अत्रि के आश्रम में आ गए। अतिथि सत्कार करना महर्षि अत्रि और सती अनसुईया का परम कर्तव्य था। सती अनसुईया ने उनका आदर सत्कार किया और जलपान के लिए अनुरोध किया। तब तीनों देवों ने शर्त रखी, हे देवी हम भोजन तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारी शर्त है कि यदि आप हमें निर्वस्त्र होकर भोजन कराएं, तभी हम भोजन करेंगे। ये सुनकर सती अनसुईया को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने मन ही मन महर्षि अत्रि को याद किया। अपने सती धर्म के बल पर उन्होंने जान लिया कि ये तीनों यति नहीं बल्कि ब्रह्मा विष्णु और शिव शंकर हैं। तब अनसुईया माता ने कहा, जैसा आप उचित समझें मैं आपको निर्वस्त्र होकर ही भोजन करवाऊंगी। माता अनसुईया ने कमंडल से जल लेकर तीनों के ऊपर छिड़क दिया और तीनों को नवजात शिशु बना दिया। आगे की कथा आइए आप सभी को सुनाते हैं। शिशु बना दिए वो तो तीनों ही, फिर मातृत्व अनसुईया का छलक ही आया है। अपनी छाती का दूध उन तीनों को ही पिलाया है। देखा के जब तीनों देव ही तृप्त हो गए हैं, अनसुईया ने तीनों पालने में ही सुला दिए। राह देख रही फिर तीनों देवियों को ये बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सती धर्म के आगे जब यम भी झुक जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पतिव्रता धर्म है महान, यम से छुड़ा ले प्राण। पतिव्रता धर्म है महान, यम से छुड़ा ले प्राण। भक्त जनों बोलिए सती अनसुईया की जय। भक्त जनों जब ब्रह्मा विष्णु और शिव शंकर जी लौट के नहीं आए तो तीनों ही देवियां बड़ी अधीर हो गईं। तब नारद जी ने उन्हें बताया कि महासती अनसुईया ने तीनों ही देवों को शिशु बना दिया है। तब घबरा कर तीनों देवियां उनके आश्रम में पहुंची और अपने पतियों का यथार्थ रूप बनाने की विनती करने लगी। तब सती अनसुईया कहने लगी, हे माता अपने अपने पतियों को पहचान कर गोद में उठा लीजिए, तब मैं इनका यथार्थ रूप बना दूंगी। एक समान ही तीनों देव उनको तो लग रहे थे, छोटे छोटे बालक जो निद्रा में सो रहे थे। तीनों देवियां उनको तो पहचान नहीं पाई, क्या कहती वो अनसुईया को लाज उन्हें आई। अपने मन में तीनों देवियों ने निश्चय किया, एक एक शिशु को तीनों ने गोद में उठा लिया। किंतु भ्रमित हो गई है, अपने अपने पतियों को भी ना पहचान सकी है। पहचाना जब अपने यथार्थ रूप में आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सती धर्म
ब्रह्म के आगे जब यम भी झुक जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पतिव्रता धर्म है महान, यम से छुड़ा ले प्राण। पतिव्रता धर्म है महान, यम से छुड़ा ले प्राण। लेने के लिए हमने ही तीनों देवों को बाध्य किया था। आइए आगे की कथा आप सभी को बताते हैं। धर्म के बल पर सबको झुका सकती, चाहे हो यमराज स्वयं या चाहे हो भगवान। अपने पति को ही माने वो परमेश्वर के समान। दीर्घायु अपने पतियों की हर पत्नी चाहती है, करवा चौथ के व्रत की रीत वो तभी निभाती है। डीएस पाल और सुरेश कर करवा चौथ का वर्णन, जोड़ी बनाए ऊपर वाला होता मधुर मिलन। मिले हंस और राज तो हंस राज बन जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सती धर्म के आगे जब यम भी झुक जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पतिव्रता धर्म है महान, यम से